फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्रूटी का रिव्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं इस फ्रूटी के बारे में। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पैकिंग की बात करें तो इसे पैक करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर यूज किया गया है और इसके काफी अच्छी पैकिंग की गई है फ्रूटी की तरफ से। और सेंटर में आपको फ्रूटी मैंगो ड्रिंक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी है 35 रुपीज। साथ में यहाँ पे आपको पैकिंग डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि ईमेल आईडी, बारकोड के साथ साथ यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिल जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का है। साथ में यहाँ पे आपको पैकिंग डेट भी देखने को मिल जाती है। नेट क्वांटिटी की बात करें तो इसकी नेट क्वांटिटी है 600 ml। यहाँ पे आपको हॉलमार्क भी देखने को मिल जाता है और इसके दोनों साइड में आपको फ्रूटी मैंगो ड्रिंक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है वाटर, मैंगो पल्प, शुगर और 4-5 इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। साथ में यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है पर 100 ml की। इसमें आपको एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल फ्रूट शुगर की मात्रा देखने को मिल जाती है और आप इसे पैकिंग से लेकर 6 मंथ तक यूज कर सकते हैं। साथ में ये ट्रैवल फ्रेंडली है, जो कि इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। स्पेशली समर के टाइम में ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और ये छोटे और बड़े साइज के कंटेनर में भी अवेलेबल है। आप कहीं बाहर से थककर घर आए हैं तो ये फ्रूटी आपको रिफ्रेश कर देता है, या फिर आप कहीं बाहर गए हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो भी ये फ्रूटी अच्छा है। इसे आपको सूरज की रोशनी से दूर रखना है। अगर ये सूरज की रोशनी में आता है तो ये खराब हो जाता है और इसे यूज करने से पहले आपको इसे अच्छे से शेक करना है और इसे एक बार ओपन करने के बाद आपको इसे फ्रिज के अंदर रखना है और 3 दिन के अंदर पूरा खत्म करना है। बॉटल खाली होने के बाद आपको इस बॉटल को क्रश करके फेंक देना है और इस फ्रूटी के अच्छे टेस्ट के लिए इसे आपको फ्रिज में ठंडा करके ही यूज करना है। और ये काफी पुराना ब्रांड है फ्रूटी का और ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में भी आती है। चलिए अब हम इस फ्रूटी को ओपन करते हैं। तो ओपन करने से पहले हम इसे अच्छे से शेक करते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये कैप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो ये येलो कलर की फ्रूटी है और इसमें मैंगो की खुशबू आती है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।